हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आपको मेरा वीडियोज ऐसे ही मिलते रहता है। और अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीक में आपको मेरा 3 दिन वीडियो मिलेगा, ट्यूजडे को, थर्सडे को और संडेज को, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार को शाम के 6:30 बजे। आज का स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल है। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है और अगर आप मेकअप करना चाहते हैं और सुंदर दिखना चाहते हैं दोस्तों, तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा लुक मैंने क्रिएट किया है और बहुत ही एलिगेंट सा नई नवेली दुल्हन के लिए। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने इसको रिक्रिएट किया है तो मुझे जरूर बताइएगा, फेसबुक पेज पे फोटो खींच के भेजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो खींच करके शेयर कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें न करते हुए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज के मेकअप करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है थ्योली विटामिन सी सीरम जो है। इससे अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, बहुत ही बढ़िया सीरम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। एनवाई बेई का उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है। तो कोई भी मेकअप करने के लिए प्राइमर एक बार जरूर लगाए अपने फेस में। प्राइमर क्या करता है, आपके ओपन पोर्स, फाइन लाइंस वगैरह को बहुत ही अच्छे से सील करता है और साथ के साथ ही आपके फेस को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से मुलायम बनाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एसक्यू स्टिक वर्की का यहाँ फाउंडेशन लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा मीडियम कवरेज, मतलब मीडियम से लो कवरेज देता है, यानी कि आप इसको डेली के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फाउंडेशन लगा ले रही हूँ और सभी जगह गर्दन पे, फेस पे, हर जगह पे, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूले और टैप टैप करके करें, ऐसा नहीं, आपको इसको रगड़ना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है डार्लिंग आइसाबेला का कंसीलर लिया है। तो जहाँ पे भी आपके डार्क सर्कल है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अनइवन स्किन है, तो वहाँ पे आप इस तरह से कंसीलर लगाएं और फिर पूरे फेस को भी। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंसीलर 2-in-1 का काम करता है, आपके डार्क सर्कल को भी हाइड करता है और साथ के साथ ही सेंटर ऑफ फेस को भी हाईलाइट करता है। और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का, मेरे पास कंटूर जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है, यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का लिपस्टिक यूज़ किया है एज ए कंटूर का, मैट फिनिश वाला है। और जहाँ जब भी आपको फेस थोड़ा मोटा है, बल्गी है, तो कंटूर ज़रूर करें। कंटूर करने से आपका फेस में थोड़ा सा खूबसूरत सा लुक आता है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और उसके बाद यहाँ पे ब्लू हेवन का हमारा लूज पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है। तो इसकी मदद से अब क्या करेंगे, हमने कंसीलर वगैरह लगाया है ना, ये बहुत ही जल्दी क्रीज हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से इसको सेट करेंगे, सील करेंगे, जिससे आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा। तो जहाँ पे भी कंसीलर लगा है वहाँ पे लगा ले। और उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको कंटूर को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर ब्रश की मदद से इन सभी चीज़ों को अच्छे से पूरे फेस में ब्लेंड कर ले, बहुत ही अच्छे से। आपको ज़्यादा पाउडर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसी पाउडर को पूरे फेस में अच्छे से मर्ज कर ले। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर बार का बहुत ही अच्छा हमारा आईब्रो पेंसिल है। तो डेली का मेकअप है, तो आपको ज़्यादा ब्राइट वाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, डार्क मतलब आईब्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर वाला ये आईब्रो पेंसिल है, इसकी मदद से अपने आईब्रो को बहुत ही अच्छे से फिल करेंगे और फिर पीछे इस तरह से ब्रश होता है, ब्रश की मदद से उसको सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने आई मेकअप पे। तो यहाँ पे मार्स का बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, इसमें से बहुत ही हल्का सा लाइट शेड, पिंक वाला शेड लिया है मैंने एज ए ट्रांजिशन कलर। और फिर यहाँ पे फ्लफी ब्रश की मदद से हम अपने क्रीज लाइन एरिया पे इसको डाल करके बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे और साथ के साथ ही हम इसको लोअर वाला जो लैश लाइन होता है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से लगा लेंगे। और उसका सेम आई शेडो पैलेट में से यहाँ पे मैंने हल्का सा सिमरी गोल्ड वाला जो शेड होता है ना, वो शेड लिया है। और अपने जो आईलिड वाला होता है, इनर वाला आईलिड, वहाँ पे हम फ्लैट ब्रश की मदद से क्रीज लाइन से, मतलब कट क्रीज बनाते हुए काफ़ी अच्छे से इसको लगा लेंगे, बिल्कुल हाफ आईलिड जो होता है ना वहाँ तक लगाएंगे। मिडिल वाले आई लीड पे यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन कलर का आई शेडो और ये जो है ग्लिटर वाला नहीं है, ये नॉर्मल सा है, मैट वाला। और काफ़ी अच्छे से इसको फ्लैट ब्रश की मदद से जो है मिडिल वाले पार्ट पे लगाएंगे और दोनों कलर को जो है गोल्ड वाला जो है उसको भी लेकर के काफ़ी अच्छे से मर्ज करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ताकि किसी तरह का कोई हार्श लाइन ना दिखे।
और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो आउटर कॉर्नर होता है वहाँ पे हमने लगाना है ब्लैक कलर का आई शेडो। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा स्मोकी लुक आएगा। और फिर जो ग्रीन कलर और ब्लैक कलर को हमने ग्रीन कलर लेकर के बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। और फिर जो हमने ट्रांजिशन कलर लिया था सेम ट्रांजिशन कलर लेकर के एक बार काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड आउट करेंगे ताकि जो ट्रांजिशन कलर है बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाए। और लास्ट में हमने जो ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है उसको थोड़ा सा फ्लफी ब्रश में लगा करके और काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड आउट करेंगे थोड़ा सा डार्क और डेंस लुक दिखने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमने आई का लगभग मेकअप जो है अपर लीड का कर लिया हुआ है। लोअर लीड पे भी सेम हमने इफेक्ट डालना है, तो इसलिए जो है मिडल पे हमने ग्रीन और जो आउटर पे हमने ब्लैक और इनर पे हमने गोल्ड वाला शेड डालना है। और फिर लोअर लैशन पे सेम हम करके और फिर ट्रांजिशन कलर से काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड आउट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिक्विड आईलाइनर लिया है, लैक्मे का है 925, बहुत ही बढ़िया सा आईलाइनर है। तो विंग लाइनर क्रिएट करते हुए यहाँ पे हम लाइनर लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे मस्कारा, यानी कि दोस्तों कोई भी आपको फॉल्स लैसेस लगाने के पहले अपने फेस अपने आंखों के लैसेस पे मस्कारा ज़रूर लगाएं। और उसके बाद ग्लिटर लिया हुआ है SFR कलर का, बहुत ही बढ़िया सा ग्लिटर है, गोल्ड वाला शेड है। तो बिल्कुल हल्का हल्का टच देंगे यहाँ पे पेंसिल ब्रश की मदद से, बहुत ही हल्का हल्का सा हमने पूरे आई लीड पे इसको अच्छे से रख दिया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत से एक इफेक्ट आएगा इससे। और फिर लास्ट में हमने यहाँ लगाना है फॉल्स लैसेस हमारा, जैसे ही आपको लगे कि आपका मस्कारा काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है उसके ऊपर आपको इस तरह से फॉल्स लेसेस लगाना है। फॉल्स लेसेस लगाने का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। SQ का यहाँ स्टिक वैरकी का मैंने व्हाइट कलर का काजल लिया है, व्हाइट कलर का काजल दोस्तों बहुत ही अलग और एलिगेंट आपके मेकअप को करेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का लोअर जो वाटर लाइन एरिया होता है वहाँ पे लगाएंगे और थोड़ा सा आई को क्लोज करके लगाए तो और भी खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद कलर बार का यहाँ पे परफेक्ट हमारा जो है कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो पूरे मेकअप को एक बार काफ़ी अच्छे से जो है पाउडर से सेट कर देते हैं ताकि आपका मेकअप अगर इधर उधर भी कुछ हुआ होगा तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस हमारा जो है फेस का लगभग मेकअप हो गया है। अब चलते हैं हमारे कंटूर के लिए, तो कंटूर पाउडर है ये मैबलिन का, तो मैं इसकी मदद से एज ए ब्रॉन्जर यूज़ करूंगी। तो ब्रॉन्जर करने से आपके फेस में थोड़ा सा वार्म्थ मतलब ऐड होता है, आपके फेस में हल्का सा कलर ऐड होता है और आपका फेस थोड़ा सा अच्छा और खूबसूरत लगता है। तो ब्रश की मदद से आप काफ़ी अच्छे से लगा लें। और उसके बाद कलर बार का यहाँ पे मैंने ब्लश लिया हुआ है, तो ब्लश दोस्तों हमेशा फेस में स्माइल करते हुए लगाएं, और अगर आप नई नवेली दुल्हन है तो ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा करके ही लगाएगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा और थोड़ी सी खूबसूरत मतलब पिंक पिंक सा लुक आएगा। मैबलिन का मास्टर क्रोम यहाँ पे हाईलाइटर है, तो हाइलाइटर आपको जहाँ भी आपके फेस पे उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पे लगाएं, चीक बोन्स हो गया, नोज़ हो गया, फोरहेड, अपर लिप्स और अपने जो ब्रो बोन्स होता है वहाँ पे लगा ले। और फिर नोज़ पे इस तरह से फिंगर्स की मदद से लगाएं और यहाँ पे लगा ले ब्रो बोन के पास, और आँखों का जो इनर कॉर्नर होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं। और बस हो गया हमारा मेकअप। और लास्ट में हम लगाते हैं लिपस्टिक, तो यहाँ पे मैंने SQ स्टिक वर्की का दो लिपस्टिक लेना है। पहला शेड मैंने लिया हुआ है जो देख सकते हैं वाइन कलर जो होता है वैसा वाला शेड लिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। तो आउटर जो लिपस्टिक का जो है वहाँ पे मैंने डार्क कलर लेना है, और इनर जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट यहाँ पे मैंने हल्का सा जो पिंक वाला शेड होता है ना वो लिया हुआ है, और इसको लेकर के अंदर वाले पार्ट पे लगा लेते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको काफ़ी अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना अलग सा लुक आया है। उसका लॉरियल इन्फ्लेमेबल का मेकअप फिक्सर है, तो इसकी मदद से अपने मेकअप को फिक्स करेंगे ताकि आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग और खूबसूरत रहे। और ब्लेंड कर लीजिएगा पूरे फेस में, काफ़ी अच्छे से सेट कर लीजिए ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। इस तरीके से आप जो है रेडी हो सकते हैं, हेयर स्टाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा लटे निकाल लीजिए, गले का जो भी पहनना है पहन लीजिए, नोज पिन पहनिए, नोज रिंग पहनिए, बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए और एकदम परफेक्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपके हस्बैंड देखते ही रह जाएंगे दोस्तों अगर आप इस तरीके का मेकअप करोगे, क्योंकि नई नवेली शादी हुई है आपकी, नई 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 दुल्हन है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको खूबसूरत दिखना भी चाहिए। तो ज़रूर से ज़रूर ये वाला मेकअप कीजिए आपको अच्छा लगे तो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपने ये वाला लुक रिक्रिएट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फेसबुक पेज पर फोटो खींच के भेजिए, इंस्टाग्राम पर फोटो खींच के भेजिए मुझे। तो आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नए ऐसे ही मेकअप ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।